बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क में जो टर्न एंड ट्विस्ट आया है उसको लेकर जो है मजेदार अपडेट लाइव फीड में देखने को मिली। आप जानते ही हैं कि चार लोग इस हफ्ते जो है नॉमिनेशन से बच गए हैं। जो चार स्पेशल गेस्ट आए थे उन्होंने इन चार लोगों को यानी कि तेजस्वी, करण, विशाल और जय भानुशाली को नॉमिनेशन से यानी कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन में इन चारों का नाम नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले जो है बिग बॉस के घर में अनाउंसमेंट हुई जिसके बाद तेजस्वी करण को एक स्पेशल पावर मिली है। इन लोगों को नॉमिनेशन से जोड़ियां दी गई हैं और उनमें से एक को सेव करना है। उमर शमिता, प्रतीक ईशान, राजीव अफसाना। क्योंकि लाइव में जब शमिता तेजस्वी को मनाने गई कि उनको क्यों बचा लिया जाए, उस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उमर के गेम की चर्चा कर रही थी। प्रतीक जब गया तो वो ये बता रहा था कि वो ईशान से बेटर क्यों है। ईशान जब गया तो वो प्रतीक के बारे में बता रहा था। राजीव जब करण के पास गए तब वो अफसाना के बारे में बता रहे थे, जिससे ये जो है समझ में आ रहा है कि उनको ये बताना है कि उनके सामने जो खड़ा है, जो जोड़ियों में बनाया गया है, उनसे बेटर वो क्यों है और वो क्यों गेम में रहना डिजर्व करते हैं। तो तेजस्वी और करण जो है, उमर और शमिता, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जहां तेजस्वी उमर की बहुत अच्छी दोस्त है, वहीं करण कुंद्रा शमिता के। तो देखना होगा कि उमर और शमिता में से ये लोग किसको बचाते हैं, शमिता को बचाते हैं या उमर को बचाते हैं, प्रतीक और ईशान में से। वैसे अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी और करण दोनों ही प्रतीक को इतना पसंद नहीं करते हैं। वहीं राजीव और अफसाना में से भी ऐसा नहीं है कि इन दोनों का झुकाव किसी एक कॉन्टेस्टेंट की तरफ हो, दूसरे की तरफ ना हो। यहाँ पर मायशा का किसके साथ हुआ है? निशांत के साथ। मुझे लगता है कि मायशा और निशांत होंगे क्योंकि यही दो कॉन्टेस्टेंट जो है बच गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जोड़ी मुझे लग रही है शमिता उमर की, कि इन दोनों में से तेजस्वी और करण किसको बचाते हैं और किसको नॉमिनेशन में रहने देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसको लेकर जो भी अपडेट आता है हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।